हम आ पहुंचे हैं दोबारा से ब्रह्म सरोवर पे। आप देख सकते हैं कितना अद्भुत नज़ारा है मेरे पीछे। आप देख सकते हैं कि पानी किस कदर ब्रह्म सरोवर का लहरों में तब्दील हो चुका है कि मानो यह भी उत्सव को मना रहा हो और बहुत झूम रहा हो इस गीता जयंती उत्सव में। और बहुत शानदार हवा यहाँ चल रही है। और आइए अब हम आपको मिलवाएंगे कुछ अपने जो बाहर से आए हैं दुकानदार, उनसे मिलवाएंगे। सभी दर्शकों का आज स्वागत है गीता जयंती में। कुरुक्षेत्रा से रिपोर्टिंग कर अरविंद शर्मा। आज हम यहाँ एक स्टॉल पे खड़े हैं जो हमारे भाई बाहर से आए हुए हैं भदोही से, जो एक कारपेट के व्यापारी हैं, कारपेट के मैन्युफैक्चरर हैं। हम इनसे सीधी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इनको यहाँ से उम्मीद लग रही है और कैसे ये भाई इतनी दूर से क्या उम्मीद करके कुरुक्षेत्रा में आए हैं। नमस्कार भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आप कहाँ से, किस हिसाब से आए हैं? मैं भदोही से, उत्तर प्रदेश के, जहाँ कारपेट बनता है, कारपेट सिटी ऑफ इंडिया जिसके कहते हैं, वहाँ से हम आए हैं। और यहाँ हम हर साल आते हैं और इस बार भी आए हैं बड़ी उम्मीद लेकर। तो हर साल आपको कैसा रिस्पांस आता, आउटपुट क्या आती है? नहीं, अच्छा रिस्पांस आता है इस अच्छा बार। हाँ, गीता जयंती भदोही एक माना जाता है कि जो कारपेट की शुरुआत हुई थी, हाँ जी, हाँ जी, वो भदोही से ही हुई थी। भदोही के कलाकारों के हाथ में एक जादू है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका क्या क्या चीज का प्रोडक्शन करते हैं आप कारपेट में? जैसे वॉल टू वॉल कारपेट हो गया, डोरमेट से लेकर बड़े से बड़ा हॉल तक आप कारपेट ले लीजिए, सर सारे साइज हमारे पास। रोल में भी कर रहे होंगे? हाँ जी, रोल में भी होता है। सब प्लेन कारपेट होता है, डिजाइनिंग, पर्शियन, सिल्क कारपेट सब हमारे पास होता है। तो आपको हर बार अच्छा रिस्पांस मिलता है? हाँ, हर बार रिस्पांस बहुत अच्छा होता है। तो ये कि अगर बात करें कि जैसे एग्जीबिशन टाइप में आपको जो अपना डिस्प्ले करने में, तो बाहर एक्सपोर्टर्स भी ले जाते हैं आपसे? एक्सपोर्टर जैसे इसके यहाँ कुरुक्षेत्र में तो खैर कम है, और दिल्ली का सूरज कुंड मेला लगता है, वहाँ पे होता है, तो वहाँ एक्सपोर्टर हमें मिलते हैं। धन्यवाद सर। ठीक है कि पंजाबी खाण पीण के बड़े शौकीन होंगे ने। असी आ पहुंचे हाँ एक यहोजी दुकान के जेडे बरनालों आए हुए हैं, तो अचारा का काम है। उन्होंने तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा एक बार खाणगे कि किन्ने वरायटी के अचार इतने रखे हुए ने। करेलिया का अचार है, तो लसन का भी अचार रखा हुआ, मतलब कई है कि मतलब सारी चीज़ों का इतने अचार अवेलेबल हैगा है। असी सीधी गल करांगे इसका वीर है मेरे नाल। सत श्री अकाल मेरे वीर। सत श्री अकाल जी। तो तुम बरनालों आए हो? हाँ जी। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡਾ ਅਚਾਰ ਪੂਰੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਚਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਬੇ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੇ ਚੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ੋਪ ਪਰ ਜਹਾਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਲਖਨਊ ਸੇ, ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ। ਆਪ ਹਮ ਸਿੱਧੀ ਬਾਤਚੀਤ ਇਨਸੇ ਕਰੇਂਗੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਆਪਕਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਗਜ਼ਾਲਾ ਨਾਹਿਦ। ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਆਪ? ਲਖਨਊ ਸੇ। आप क्या कुछ सेल करते हैं और कुछ अपना जो ये आपने स्टॉल लगाया है इसके बारे में बताइए। हम लखनवी चिकन, वहाँ का एम्ब्रॉयडरी मशहूर है, वही लाए हुए हैं यहाँ पे। सब चिकन का माल लगा हुआ है, हैंड एम्ब्रॉयडरी, हाथ से बनाया हुआ है ये सब टोटल, और वही हम यहाँ ला के बेचते हैं। हाँ हाँ, हम खुद बनाते हैं। आप हर साल आते हैं गीता जयंती में? हाँ, कम से कम 8-9 साल हो गए हमें आते हुए, लगातार आते हैं हर साल। वो बैनर लगाते हैं वो अपना कि आप कहाँ से आएं। कैसा रिस्पांस मिलता है? नहीं, अच्छा होता है, जब ही तो आते हैं यहाँ, अच्छा लगता है, अच्छा रिस्पांस भी होता है। हम लोग यहाँ कुछ कमा के भी जाते हैं, इसलिए आते हैं यहाँ। यहाँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा है। और प्रशासन आपकी कितनी मदद करता है? बहुत मदद करता है, ये कि हम लोग को खाना वाना भी यहीं से मिलता है। हाँ, जो है 8,000 रेंट अब की हो गया, पर साल 3,000 था, अब की 8 हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग को नहीं खलता, क्योंकि खाना पीना देते हैं, इतना रहने का देते हैं, ये स्टॉल देते हैं, बड़ी स्टॉल होती है, तो हम लोग को यहाँ पब्लिक भी अच्छी आती है, लोग एडवर्टीजमेंट भी अच्छा करते हैं, इसलिए कुल मिला के यहाँ का सब चीज़ बहुत अच्छा रहता है, इसलिए हम लोग हर साल आते हैं और हर साल आना चाहेंगे। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।